खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 5 राज्यों में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में गठबंधन का ऐलान होगा। आपको बता दें कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से संगठन महामंत्री संदीप पाठक, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवी और पार्टी के दिल्ली हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सुबह 11:30 बजे के लगभग औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। और इस दौरान अलग अलग राज्यों में, जैसे गुजरात की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ किस तरीके से, किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जाएगा उसका भी औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी सीट्स मिली है, अपने उम्मीदवारों को किस किस क्षेत्र से वो उतारने वाले हैं, इसका भी शायद ऐलान उनकी तरफ से किया जाए। तो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लगभग 11:30 बजे प्रेस वार्ता होगी और इस प्रेस वार्ता में सीटों पर गठबंधन का ऐलान होना संभव है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लगभग 11:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता में सीटों पर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अलग अलग राज्य है, दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऐलान किया जा सकता है कि सीट फॉर्मूला किस तरीके का बैठा है दोनों पार्टियों के बीच में और कौन अपने कैंडिडेट्स को किस लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में भेज सकता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 11:30 बजे के लगभग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिनके बीच में कई दौर की बातचीत भी हुई है, हालांकि हर दौर की बातचीत को दोनों ही पार्टियों ने बहुत पॉजिटिव बताया और कहा कि एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है हर बातचीत। और कुछ ही वक्त पहले एक दो दिन का समय भी मांगा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, कहा गया था कि कुछ ही दिनों में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी और आज औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। बलराम, 11:30 बजे के लगभग अब स्थिति भी थोड़ी साफ हो जाएगी कि और औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा कि क्या सीट फॉर्मूला जो होगा वो सेट हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन तय हो चुका है, उसका आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दोनों दलों के नेता एक साझा प्रेस वार्ता करके इस गठबंधन का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में गठबंधन तय हुआ है। दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर दोनों दल चुनाव मैदान में उतरेंगे। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। भरूच और भावनगर की सीट पर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि भरूच को लेकर के कुछ पेच फंसा हुआ था क्योंकि भरूच की जो सीट थी वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी क्योंकि वहां से अहमद पटेल चुनाव लड़ते रहे हैं और यही वजह है कि उस सीट को लेकर के काफी पेच फंसा रहा। लेकिन अंत में ये निर्णय लिया गया है कि भरूच की जो सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायक चैतर को प्रत्याशी घोषित किया है तो वो सीट आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगी। लेकिन गोवा में जिस साउथ गोवा की सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था अपने विधायक को, वो सीट अब कांग्रेस के पास जाएगी और कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जिस तरीके से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेगी, ये बात स्पष्ट हो गई है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभी तक जो गठबंधन के तहत बातचीत हुई है उसमें 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये भी स्पष्ट हुआ है। हालांकि अब इन सब बातों का ऐलान कुछ ही देर में दोनों दल के नेता एक साझा प्रेस वार्ता करके करेंगे और माना जा रहा है कि जो 5 राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात थी जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा था, दोनों दलों के नेता लगातार बातचीत कर रहे थे,
तो वो गठबंधन जो है वो तय हो चुका है और उसका आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। पंजाब को लेकर भी कोई स्थिति साफ हो सकती है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई गठबंधन हो सकता है या दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान किया था कि हम चंडीगढ़ की सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो चंडीगढ़ को लेकर सहमत बन गई है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी ये स्पष्ट हो गया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों को लेकर के अपने प्रत्याशियों को चुनने की जो कवायद है वो तेज कर चुकी है और जो तैयारी है उसमें भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। तो पंजाब को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में जो गठबंधन है वो तय हो चुका है और उसी गठबंधन के तहत आज जो ऐलान है औपचारिक वो किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस सीट पर किस दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत ये दोनों दल आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत ये दल चुनाव लड़ेंगे। ठीक है बलराम, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो बात क्या बन गई है और बात किस तरह से बनी है उसका औपचारिक ऐलान आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा।